बॉलीवुड में इन दिनों एक्शन की धूम है। वॉर से लेके वांटेड तक, ट्रिपल आर से लेके सूर्यवंशी तक, हर कोई एक्शन फ्रेंचाइजी के तौर पर अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहा है। इसी कड़ी में बॉलीवुड के दो बड़े एक्शन हीरो एक बार फिर से कोलैबोरेशन कर रहे हैं, जिसका नाम है बड़े मियां छोटे मियां। बड़े मियां ऑफकोर्स अक्षय कुमार खिलाड़ी खिलाड़ी प्ले कर रहे हैं और छोटे मियां हैं टाइगर श्रॉफ, जो कि नई जनरेशन के सबसे बेस्ट एक्शन हीरो हैं। इनको इंडिया का जैकी चैन, निंजा टर्टल कुछ भी कह लीजिए। अब दोनों की पेयरिंग होगी तो बॉक्स ऑफिस पर तो धमाका होना तय है। एक्चुअली ये दोनों ही अपने अपने फील्ड के एक्शन लीजेंड हैं। एक उस दौर के एक्शन के खिलाड़ी है जब इंडिया में एक्शन की स्टार्ट हो रही थी, और दूसरा नई जनरेशन का मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है। तो दोनों के कॉम्बो के बाद पब्लिक को बहुत मजा आने वाला है। वैसे भी इसके टीजर ट्रेलर के जो इफेक्ट हैं, जो स्टाइल है, वो एक्शन कॉमेडी को रिस्टैब्लिश कर रही है। जहाँ एक तरफ एक्शन का तड़का दोनों लगाएंगे, वहीं बड़े मियाँ छोटे मियाँ की जो थीम थी कॉमिक, वो भी यहाँ रिपीट होगी। पूजा एंटरटेनमेंट यानी वासु बघनानी, जो कि एक टाइम पर गोविंदा को लेकर नंबर वन फ्रेंचाइजी बनाते थे, अब एक्शन फ्रेंचाइजी एस्टेब्लिश कर रहे हैं। यहाँ पर अक्षय और टाइगर की जो जुगलबंदी है वो देखने को मिल रही है। एक जूनियर है जो कि अपने सीनियर को इज्जत भी देता है, प्लस उससे बेटर एक्शन भी परफॉर्म कर रहा है, और एक सीनियर जो अपने कूल स्वैग के जरिए छोटे को बोल रहा है आइए मेरे साथ, आइए मिलकर दोनों धमाका करते हैं। क्या नाम है तेरी फिल्म का? सर छोटे मियां। आपका? बड़े मियां। साथ में आएगा? Let the beat drop. पब्लिक के लिए बहुत बेहतरीन एक्शन एंटरटेनमेंट ट्रीट होने वाली है बड़े मियां छोटे मियां। थीम सॉन्ग वही पुरानी मूवी का है, जो कि बहुत ज्यादा आपको नॉस्टैल्जिक फील देता है, और अक्षय कुमार का जो साल्ट एंड ग्रे लुक है वो जॉर्ज क्लूनी की याद दिलाता है, और टाइगर तो रैम्बो है इंडिया के। तो इस मूवी के टीजर ट्रेलर को देखकर लगता है कि वॉर वाला मैजिक क्रिएट होने वाला है, जहां पर ऋतिक और टाइगर ने डांस एक्शन के नए पैरामीटर सेट किए थे, और अब बारी बड़े मियां छोटे मियां की है, जहां पर एक्शन के दो बड़े धुरंधर अपने अपने लेवल पर एक्शन कॉमेडी को नए पैरामीटर पर सेट करेंगे। पब्लिक के लिए बहुत मजा आने वाला है, और गुड न्यूज इसलिए भी बॉलीवुड के लिए क्योंकि साउथ पूरी तरह से बॉलीवुड को ओवरटेक कर रहा है अपने एक्शन स्टाइल में, अपनी देसी स्टोरी स्टाइल में। ऐसे में बॉलीवुड का ये पलटवार है बड़े मियां छोटे मियां, क्योंकि इससे पहले जितनी भी हिंदी की फिल्में आ रही हैं उनका कैनवास इतना बड़ा नहीं था। यहाँ तक कि YRF की टाइगर हो, चाहे वो सूर्यवंशी फ्रेंचाइजी हो, उसी कड़ी में ये बड़े मियां छोटे मियां बॉलीवुड को स्ट्रॉन्ग करेगी। और दूसरी अच्छी बात यह है कि बड़े एक्टर अपना ईगो छोड़कर एक साथ कंप्लीट होकर स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। इससे पहले हर स्टार सोलो फिल्में करता था, लेकिन अब साउथ से टक्कर लेने के लिए बड़े स्टारों ने टीम मिलाई है, मिलकर दोनों काम कर रहे हैं, और बॉलीवुड को एक बार फिर से वापस से 90s स्टाइल में एस्टेब्लिश कर रहे हैं। और ये जरूरी भी है, जब बाहर से हमला हो तब एकजुट हो जाना चाहिए। पब्लिक इन दोनों की टीम के एक्शन वेंचर को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। वैसे तो इसका टीजर ट्रेलर संडे को 12:30 बजे अनाउंस होना था, लेकिन लता दीदी के एक्सपायर होने की वजह से इसको बाद में पोस्टपोन किया गया। तो पब्लिक के लिए एंटरटेनमेंट के जबरदस्त ट्रीट के लिए हो जाइए तैयार, बिकॉज अगला क्रिसमस 2023 का होने वाला है एक्शन का धुआंधार बमफार शो। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर टाइगर श्रॉफ एंड अक्षय कुमार एंड वासु बघनानी। और चैनल में पहले बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको लगता है ये इंडिया की सबसे बड़ी एक्शन फ्रेंचाइजी हो सकती है।